यहाँ मैं बना रही हूँ चंबा का राजमा, जो कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ और सच में इसका टेस्ट जो है बाकी राजमा से बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। तो इसके लिए राजमा को पहले 8 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, उसके बाद में इसमें नमक डाल के 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेना है। यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें डाल रही हूँ घर की बनी हुई फ्रेश दही। एक छोटा बाउल लेंगे, इसमें दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में ही 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। और इसमें कलर के लिए डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें क्या क्या खड़े मसाले यूज करना है। तो ली हूँ 2 हरी इलायची, साथ में ही लौंग, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ भी बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 लीफ, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 दालचीनी। तो यहाँ पे मैं इसमें भूल गई थी चावल का आटा डालने के लिए, इससे जो है ग्रेवी जो है बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनती है। तो इसे अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा राजमा के लिए मसाला बन के तैयार हो चुका है। मसाला बनने के बाद में सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपका राजमा जो है तैयार हो जाता है। इसके लिए पैन में लेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल, तेल को अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखी हूँ मैं। इसमें सारे खड़े मसाले को डालेंगे, कुछ देर के लिए तेल में ही इसे इस तरह पकाएंगे। आप यहाँ चाहे तो 1/2 तेल और 1/2 घी का यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद में 1 प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे। प्याज को हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी प्याज के साथ में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो दही में मसाले मिक्स करके रखे थे उसे डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाले को जो है अच्छे से भून लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल का यूज किया, पर दही की वजह से जो है इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है हमारे मसाले में। साथ में स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसमें बहुत बड़े बड़े बबल्स आ रहे थे, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दी हूँ और इसका ढक्कन को निकालेंगे और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं ऑयल जो है किस तरह दिख रहा। उसके बाद में और थोड़ी देर के लिए हम मसाले को भूनेंगे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद में इसमें हम राजमा को डाल देंगे। जैसे कि अगर आपको इसे चावल के साथ में खाना है तो ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, और रोटी के साथ खाना है तो भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पर इस करी में जो है ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं चावल के साथ में सर्व कर रही हूँ पर थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी ही रख रही हूँ। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सब्ज़ी का कलर जो है कितना अच्छा आया है। लास्ट में डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे आप चाहे तो गर्मा गर्म प्लेन चपाती के साथ में भी खा सकते हैं या फिर चावल के साथ में भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे चावल के साथ में सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इस राजमा को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल अलग इसका टेस्ट आता है नॉर्मल राजमा करी जो हम अक्सर बनाते हैं। और आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।